हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही क्लासेस। आई एम विद्या गुप्ता। जैसा कि आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश स्पोकन का पार्ट वन देखेंगे, जो कि हमारा बहुत बेसिक से स्टार्ट होने वाला है। क्लियर? सो देखते हैं बेसिक इंग्लिश स्पोकन का आज हम कौन सा पार्ट, पार्ट हम वन देखेंगे। आज हम लोग पार्ट वन देखेंगे। क्लियर? सो देखते हैं पहला हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे पहला हमारा कह रहा है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स तो सबको पता होगा, ये इंग्लिश का पार्ट है। अल्फाबेट्स मीन्स ए बी सी डी, मीन्स ए टू जेड, उससे हम क्या कहते हैं अल्फाबेट्स। ये भी हम लोग को बहुत ज़रूरी है लर्न करना। तो अल्फा ये तो खैर सबको पता होता है ए बी सी डी। उसमें नया क्या है, फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए वॉवेल्स क्या होते हैं। वॉवेल्स सिर्फ हमारे पास पांच होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू। क्लियर? तो ये हमारे पास कितने हो गए, ये हमारे पास हो गए ओवरऑल फाइव। और उसके बाद क्या है कॉन्सोनेंट, सॉरी यहाँ पे इसके बाद क्या है कॉन्सोनेंट। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है एक्सेप्ट वॉवेल्स। वॉवेल्स क्या है ए ई आई ओ यू। एक्सेप्ट वॉवेल्स मीन्स अल्फाबेट्स हमारे कितने होते हैं 26 होते हैं। अल्फाबेट हमारे पास 26 होते हैं और वॉवेल्स कितने होते हैं 5 होते हैं। तो 26 में से 5 चला गया 21। तो हमारे पास कॉन्सोनेंट कितने बचे 21। तो कॉन्सोनेंट मीन्स ए को छोड़ के मीन्स बी सी डी एफ मीन्स जो अल्फाबेट्स होते हैं ए टू जेड, उनमें से ए ई आई यू छोड़ के जितने भी लेटर्स बचेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्लियर? अब बात देखते हैं लेटर्स से क्या बनता है। चलिए अच्छा देखते हैं लेटर। मान लीजिए मैंने एक लिया, एक मैं लेती हूँ लेटर, इधर देखिएगा एल ई डबल टी ई आर। लेटर से हमारा क्या बनता है वर्ड बनता है। लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से क्या बनते हैं सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं। ठीक है? अब मान लीजिए मैंने लेटर क्या लिखा, लिया ए। ए हमारा क्या है लेटर है, इससे एक वर्ड बनाना। तो ए से हम क्या वर्ड बना सकते हैं एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल बना सकते हैं। हमारा क्या हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। लेटर से वर्ड बनते हैं, वर्ड से क्या बनते हैं सेंटेंस बनते हैं। लेटर हम लोग ने जान ही लिया अल्फाबेट्स ए टू जेड। ठीक है? तो हमने एक लेटर ले लिया, आप कोई भी लेटर ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने लेटर ले लिया डब्ल्यू। डब्ल्यू से क्या बन सकता है कोई भी वर्ड, डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच। अब इससे अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना, सेंटेंस किसे कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं सेंटेंस कहते हैं। तो वर्ड्स ये हो गए, अब इनका सेंटेंस बना सकते हैं। ही हैज वन एप्पल, ये हमारा क्या हो गया एक सेंटेंस हो गया। लेटर्स ए वर्ड ए से हमारा क्या बना एप्पल बना। एप्पल से हमने क्या सेंटेंस बनाया ही हैज वन एप्पल। क्लियर? वैसे यहाँ भी बना सकते हैं। डब्ल्यू एक क्या है हमारे पास लेटर है, लेटर से एक वर्ड बनाएंगे उससे क्या हो जाएगा वॉच, और वॉच से क्या बन जाएगा हमारे पास ही वियर्स वॉच, वो वॉच लगाता है। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा
लेटर्स क्या होते हैं, ए टू जेड लेटर्स होते हैं। उसमें वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जैसे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स 26 है और 5 वॉवल्स है, तो वो 26 में से 25 निकाल दें, 21 हमारे पास क्या बचेंगे, कॉन्सोनेंट बी सी फ्यू जो आगे है एक्स वाई जेड, ये सब हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट। यहाँ पे हमने क्या देख लिया, फॉर्मेशन, लेटर से हमारे पास वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से क्या बनते हैं, पैराग्राफ। मान लीजिए कितनी सारी लाइन लिखी, उसे हम क्या कहते हैं, पैराग्राफ। क्लियर ना? आई होप आपको ये इतनी, ये आज का क्लास है, मैंने यहाँ पे आपको बेसिक से सिखाया कि लेटर्स कैसे फॉर्म होते हैं, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।